कार्यक्रम सर अभी हम लोगों ने बस स्टैंड पे किया है, नगरी पे किया है, अंदर बस्ती, सांसी बस्ती, काफ़ी विभिन्न जगहों पे हम लोगों ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके लोगों को समझाया है किस तरीके से हम लोग नाटक करते हैं, कि अभी जो मैं रोल करता हूँ यमराज का, लोगों को अवगत कराते हैं कि अभी हम लोग तो एक नाटक के माध्यम से यमराज बन रहे हैं। आप अगर रियल में अगर आप लोग नशा करते हो तो आप रियल में यमराज जी के पास जा सकते हो, क्योंकि नशा एक नाश की जड़ है जो हमारे शरीर को खोखला बना देती है, अनेकों प्रकार की बीमारियों का घर बना देती है। तो इसीलिए हमेशा नशे से दूर रहना है, यही हम लोग पब्लिक में अवगत कराते हैं कि नशे से हमेशा दूर रहना है। आपका नाम? मेरा सुनील सिंह राजपूत, अपना थिएटर संस्थान अजमेर से। तम्बाकू के अंदर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू के अंदर 7000 तरीके के जहरीले तत्व होते हैं। अच्छा, 7000 तरह के जहरीले तत्व जैसे जिनके कारण हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। जैसे गुटखा खाने से अनेकों प्रकार का कैंसर का रूप ले लेती है। जैसे गले का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आंख का कैंसर। सही कह रहे हो यमराज जी, लेकिन एक बात है, लोग तो फिर भी मानते नहीं और लोगों का सवाल ये होता है कि सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती। अरे भाई, अगर सरकार बंद कर देगी तो सरकार को तो टैक्स मिल रहा है ना। अगर हम लोग खाना बंद कर देंगे तो सरकार क्या फैक्ट्रियों में फैक्ट्री अपने आप बंद कर देगा। भाई, अगर सरकार के पास 100 जगह से टैक्स आ रहा है और अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाती है तो एक जगह से बंद हो जाता है तो सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई, अगर हम लोग खाना बंद कर देंगे तो फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। बिल्कुल, जब हम लोग खरीदेंगे नहीं तो दुकान वाले नहीं खरीदेंगे, जब दुकान वाले नहीं खरीदेंगे तो हम लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर उसमें बिकेगी नहीं। भाई साहब, नशा एक नाश की जड़ है जो हमारे शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियों का घर बना देती है। बिल्कुल, हमारे शरीर को खोखला बना देती है। तो अपने सामने खड़ी है जनता प्यारी, अब इनकी भी समझने की बारी, अब ये भी समझदार चलाएंगे। जब इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। अगर आप लोग नशा करते हो तो आपकी आगे उम्र में आप भगवान के। अच्छा, तुम्हें लेने आए बुद्धी बालक? मुझे लेने? हाँ। मेरी गलती क्या थी जो मुझे लेने आए हो यमराज जी? अरे गलती? हाँ। तुमने तो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या गलती? आपको पता है स्टैंड पर? अच्छा हाँ, मेरी तारीफ? तेरी तारीफ? अरे अच्छे कम लोग हैं जो मेरी तारीफ कर सकते हैं। मैं कर दूँ? कर दे। कितने बाल? ओहो मेरे बाल। मोती के समान? मोती के समान। चेहरा मुंडा? ओहो मेरा मुंह। मोती के समान? मोती के समान। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अजमेर जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो तंबाकू से होने वाले जो दुष्परिणाम है उसके तहत लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या सिगरेट से होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या है, जैसे गले में कैंसर हो जाना, जबड़े का कैंसर, मुँह का कैंसर, आँतों का कैंसर, जबान का कैंसर, हर तरीके से कैंसर का रूप ले लेती है। तो तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में एक मनोरंजन तरीके से लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और ये जानकारी अजमेर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जगहों पर हम लोग दे रहे हैं अपना थिएटर संस्थान के कलाकारों के माध्यम से और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर द्वारा ये कार्यक्रम अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नरेगाओं में जहाँ रोजगार चल रहा है वहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं। अपने अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर जैसे नगरा, जादूगर, गुजर धरती, सांसी बस्ती, कंजर बस्ती, इन हिस्सों में जाकर लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर सरकार की नज़रों में भी लोग नशा कर रहे हैं और हमारी नज़र में भी जो लोकेशन दी गई है उसमें ज़्यादातर लोग नशे की हालत में लुप्त हैं। तो इसी की जानकारी हम लोग एक डेमो के माध्यम से, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मनोरंजन तरीके से जानकारियाँ दे रहे हैं। मेरा नाम जुम्मा खान है, मैं इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम करता रहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर टीम ने आज बस स्टैंड पहुंचकर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। नशा कई बीमारियों को नाश कर देता है, कई तरह की गंभीर बीमारियां गुटखा,